सरकार के अंतिम सदस्यों को हम आज कुमारी दिखाने से मिलने वाले राज्य की मनुष्य आपका स्वागत है। आपको हमारे बहुत धन्यवाद। आज पहले सब क्लाउड बुक की राइटर हैं और अनेक किस्में लिखी है। सबसे बड़ी बात है इनको अर्जुन पुरस्कार उस वक्त मिला जब बहुत छोटी अवस्था में थी और यही इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम चूँकि इनसे काम करते हैं तो ये जो बुक लिखी और आपकी जो गंदी हुई मतलब किस तरह आप दिव्य विद्या में कमी हुई कहाँ से की हुआ मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करें। ऐसे शूटिंग तो हमारे फैमिली में पीढ़ियों से चलती आ रही है। हमारे दादाजी और परदादाजी सब शूटिंग करते थे तो बचपन से शूटिंग सिखाया जाता था। तो हमारे फादर ने 6 साल की उम्र जब मैं थी तब से मुझे शूटिंग सिखाया और मैं उसके बाद मैं शूटिंग करती रही उनके गाइडेंस के लिए। आपने बुक लिखी और जो आपकी जो महल है लालगढ़ पहले उसको आपने होटल में परिवर्तित किया, इसके पीछे क्या मतलब उद्देश्य रहा? जो बुक आपने लिखी राजा महाराजाओं की वीरताओं पर साहस पर उसका मतलब किस तरह से हमें इंस्पिरेशन आया? पर ऐसे तो बहुत लोगों ने उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर किताबें लिखी हैं तो उससे इंस्पिरेशन मैंने लिया। और हमारे जो बीकानेर में लालगढ़ महल है उसके ऊपर मैंने मेरी पहली किताब लिखी उसमें मैंने लिखा है कि 5 पीढ़ियों से जो राजा महाराजा बीकानेर के थे उनकी फैमिली कैसे रहते थे उनकी हिस्ट्री इतिहास क्या। अब आगे आपका क्या मतलब जैसे ये सब किताबें अच्छी लिखी हैं आगे मतलब आपकी क्या जर्नी रहेगी जो देश में वातावरण चल रहा है उसकी डिस्ट्रीन की आप क्या किताब लिखी है? मैं ऐसे सब्जेक्ट पर अभी तक कमेंट नहीं करना चाहती। मैं तो जो निजी मेरे फैमिली के और मेरे फैमिली की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर मैं मेनली मेरी जान पहचान है उससे ही मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी उदाहरण है तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैसेज सबके लिए रोजगारी होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए और जरूर होगी आई एम श्योर।